So, hey fam, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another Q&A. तो मैंने एक Q&A रखा था Instagram and YouTube पे, जिसमें से आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा. तो कुछ क्वेश्चन तो सही था, ठीक ठाक था, जैसे नॉर्मल लोगों को पूछा जाता है, पर कुछ था बहुत 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 ज्यादा हुई है. तो जो भी हो, मैं ट्राई करूंगी ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करने के लिए. तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. हो सकता है कि आपको भी अपना रिप्लाई इसी वीडियो में मिल जाए. सो वी आर 800K नाउ. तो आप लोगों ने मुझे जीरो से लेके 800K पे पहुंचाया है, जो बहुत ही एक बड़ा नंबर है, एक ह्यूज नंबर है. थैंक यू सो मच. और ऐसे प्यार करना, ऐसे सपोर्ट करना. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन लेके. अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो पूछा है दिशा ने. दिशा ने पूछा है से योर सेलिब्रिटी क्रश. मेरा सेलिब्रिटी क्रश ऐसे देखो तो कोई नहीं है, पर मुझे पसंद है बहुत ज्यादा वरुण धवन, पर ही इज नॉट माई क्रश एक्चुअली. तो क्रश वैसे कोई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजकुमार ने. राजकुमार को छोड़ के भी ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है. व्हेन यू फर्स्ट थॉट ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल. इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरा रिसेंटली कॉलेज पास आउट हुआ है, आप लोगों को पता है. आई एम अ लॉयर, मतलब एडवोकेट नाउ. मेरा दिल करता था कि मैं यूट्यूबर बनूं, पर ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि स्टडी का भी काफी प्रेशर था. मतलब मैं कौन से कंटेंट के ऊपर काम करूंगी वो तो मुझे पता था, बट हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल मुझे नहीं पता था. क्योंकि मुझे लगता था जो यूट्यूब चैनल हमारे पास होता है तो हम उससे दूसरों की वीडियोस देख सकते हैं, खुद नहीं क्रिएट कर सकते. तो मैंने कुछ कॉलेज के दोस्तों से पूछा भी था जिनका यूट्यूब चैनल था, कि हम क्या फोन से यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हैं या फिर चैनल क्रिएट कर सकते हैं. तो उनका रिप्लाई आया था नो. If you don't have a laptop, then you can't create a YouTube channel. तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि उन सबके पास लैपटॉप था, मेरे पास नहीं था. तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया घर वालों को कि मुझे लैपटॉप दिला दो, मुझे YouTube चैनल खोलना है. देन आई स्टार्ट डूइंग TikTok एंड Instagram. तो अभी मुझे याद है जब TikTok बैन होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट न्यूज आ गया था कि बैन हो सकता है, तभी दीदी को दिमाग में आया था कि हम लोग ट्राई करते हैं यूट्यूब चैनल खोलने का. तो मैंने बोला था नहीं हो सकता, फोन पे नहीं होता है. तो दीदी ने एक चैनल क्रिएट किया था जो है अभी दाशु में था. तो उसको क्रिएट करने के बाद दीदी ने एक वीडियो अपलोड किया था जो था टिकटॉक का वीडियो, 15 सेकेंड वाला लॉन्ग वीडियो पे अपलोड किया था, जिसमें व्यूज आए थे. तो तब जाके हमें समझ आया कि हाँ वीडियो यूज कर सकते हैं, पर उसमें कॉपीराइट क्लेम आया था. तो मैं तब कॉपीराइट क्लेम से बहुत ज्यादा डरती थी, इवन अब भी डरती हूँ. तो इसी वजह से मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था. तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब का जर्नी. एक्चुअली मुझे कंटेंट बनाना बहुत पसंद है. अगर आप मेरी टिकटॉक वीडियोस भी देखोगे, ज़्यादातर उसमें आपको कंटेंट ही मिलेगा. लिपसिंग बहुत कम करती थी मैं, ज़्यादातर आपको फैशन हेयर स्टाइल के ऊपर ही वीडियो मिलेगा. तो हाँ, मुझे तब से पसंद था, पर हुआ वो कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हुआ, इसीलिए दुख तो हुआ था. पर एक जगह जाके मुझे एक तसल्ली है कि अगर टिकटॉक बैन ना होता तो शायद मेरा यूट्यूब चैनल ना होता. तो बहुत अच्छा हुआ. बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो हाँ, अच्छी बात. तो जब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा है अकरम असलम शेख ने. सॉरी अगर आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो. तो उन्होंने कहा, यू नेवर रिप्लाई फैन स्पेशली पाकिस्तानी. ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है. ऐसे आपने बोला मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं ऐसे देख के कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ. इवन सभी को पता है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ. तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सभी सेम है. तो ये आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं. फिर पूछा है मुझे गीता चक्रवर्ती ने कि तुम्हें की बांगाली है. अभी बांगाली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं. डार्क डे 121, उनको अपना डीपी लगाना भी, मतलब देख सकते हो उनके पास डीपी भी नहीं है. तो उन्होंने पूछा आर यू वर्जिन. तो कहाँ से आते हैं ये लोग, भगवान जाने. और सबसे मेन बात, जिन्होंने भी पूछा ये चीज, एक काम करिए भैया और बहन, जो भी हो तुम, देख के तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो तुम. डार्क भी है, डे भी है, मतलब तुम्हारी जिंदगी झंडे समझ आ रहा है. तो एक काम कीजिए, खुद की आईडी से ये सेम क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगी मैं कौन हूँ. तो इसके बाद के क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं. जो पूछा है अर्चना ने. अर्चना ने पूछा, क्या आपने कभी नाक में उंगली डाली. नहीं, मैंने खुद की उंगली नहीं डाली, दूसरों की डाली है. तो इसके बाद वाले क्वेश्चन पे मैं जंप करती हूँ. प्राची गुप्ता ने पूछा है, आप कभी गटर में गिरे हो. सीरियसली प्राची, आप गिरे हो क्या.
जरूर बताना मुझे, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गिरी, पर आपके क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगता है मुझे गिरना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब करते हैं, जो पूछा है चांदनी पद ने, दीदी आप अपने ही बाल में हेयर स्टाइल्स बताते हो या फिर विग पहनकर? नहीं डियर, मैं विग पहनकर बनाती हूँ। मैं ये दिन में पहन लेती हूँ और रात में खोल के रख देती हूँ। मतलब लगता है आपको विग है ये, इतना एडवांस विग अगर निकल जाता तो दुनिया में बाल की जरूरत क्या पड़ती। फिर विग पहन लो, मस्त जीव। क्या बोलू मैं, अजीब अजीब क्वेश्चन है ये विग वाला क्वेश्चन, मतलब कैसे दिमाग में आया मुझे नहीं पता। फिर पूछा है रेनस आर्ट क्राफ्ट ने, आपको कौन शूट करके देता है? प्लीज टेक माय क्वेश्चन, आई एम रानिया। हाय रानिया, मेरी दीदी मेरी वीडियो शूट करती है। तो जब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, संजना द वन ने पूछा है, आपने प्लास्टिक सर्जरी कराया है? मतलब मैं कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हूँ कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊँ, और इतना पैसा अगर होता मेरे पास तो मैं ट्रैवल के लिए निकल जाती, मुझे दोबारा देखते ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अस्मिता दास ने, जिन्होंने पूछा है तोमर बारी कोथा है बांग्लाय तोमर फैनदेर जन्य किछु बोलो और तुम्हें कौन क्लासे पढ़ो। हाय अस्मिता, तो आमार बाड़ी चिंसुराते और आमी कोनो क्लासे एखन पढ़ी ना, कारण आमी एकजन एडवोकेट एखन, আর আমি ফ্যানদের জন্য ফ্যান বলবো না, তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার বলতে পারো, সোশ্যাল মিডিয়া ফ্যামিলি মেম্বার। তো ফ্যান আমি কাউকে মানি না, কারণ আমি এত বড় কেউ নই যে আমার কেউ ফ্যান হবে। তো তোমরা সবাই আমার খুব ভালো বন্ধু, আমার খুব কাছের মানুষ। তো তোমাদের একটাই কথা বলতে চাই, তোমরা এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করো, এভাবেই আমার পাশে থেকো। ম্যা জাম্প করতে হো নেক্সট কোয়েশ্চেন পে। জো পুছায় জয়েশ চৌধুরী নে, एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो, भैया वीडियो का स्पेलिंग होता है VIGEO, ये क्या स्पेलिंग लिखा है आपने मुझे नहीं पता। एक वीडियो बनाओ बिना मेकअप, मेकअप 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 के बिना फिल्टर के, भैया मैं जरूर बनाऊंगी। उससे पहले आपको वीडियो एंड मेकअप का स्पेलिंग 1000 बार लिख के मुझे भेजना होगा, फिर मैं जरूर बिना मेकअप एंड फिल्टर के वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। समरा ने पूछा है, समरा ही है ना नाम, क्योंकि एक साथ आईडी फाइडी मिक्स हो जाता है तो मुझे समझ नहीं आता है। उन्होंने पूछा है योर क्वालिफिकेशन, तो मेरा क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, व्हाट इज Q&A? Q&A में पूछ रहे हो कि व्हाट इज Q&A, तो Q&A होता है क्वेश्चन एंड आंसर। जो Q&A रख रहा है उसको आप लोग क्वेश्चन पूछोगे और वो आपका आंसर करेगा, ये है Q&A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बहुत लोगों ने, लाइक ये तो लग रहा है कि मतलब सभी ने पूछ लिया ऑलमोस्ट, हु इज योर क्रश? क्रश क्या बताऊं मैं, अभी है इंसान क्रश जिसको बोलते हैं, पर कैसे बताऊं नाम, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, मुझे नाम नहीं बोलना है, पर समझ लो कोई है। अगर कभी टाइम मिले, मौका मिले, ऑब्वियसली बताऊंगी कि कौन है मेरा क्रश। तो फिर पूछा है मिस सोनाली ने, व्हाट इज योर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर? लॉक स्क्रीन वॉलपेपर क्या है देखना पड़ेगा मुझे, इस फोन पे तो कुछ भी नहीं है, और जो फोन पे शूट हो रहा है उसमें कुछ है नॉर्मल सा पिक्चर, मैं बाद में दिखा दूंगी क्योंकि उसी फोन में भी शूट हो रहा है। फिर आ रहा है इंटरनेशनल क्वेश्चन जो सबको पूछना है, व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज नहीं पूछा ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता Q&A में किसी ने पूछा होगा, तो ऑलमोस्ट सभी ने पूछ लिया। मैंने पहली बार भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, लड़कियों से उनका एज पूछा नहीं जाता। और गेस कर लो कितना होगा एज, पहले भी मैंने बताया था, किसी ने राइट गेस नहीं कर पाया। तो मैं एक डेयर दे दूँ आप लोगों को, अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने भी मेरा एज सही गेस कर लिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एज भी बताऊंगी, उसका नाम भी बताऊंगी। तो करो कमेंट सेक्शन में गेस जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑलमोस्ट सभी ने, हु इज योर बॉयफ्रेंड? डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, आप लोगों को पता है क्या, बताओ फिर।
और कौन वीडियो कर रहा है, देखो मेरी दीदी और मेरी शूट कर रही है, तो मैं कैसे बताऊँ? अगर है तब भी नहीं बता सकती, अगर नहीं है तब भी नहीं बता सकती। नहीं है तब भी नहीं क्यों बता सकती? कैसे बता दूँ कि नहीं है? फिर है? नहीं है। मम्मी को बताती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कोई नहीं है तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं बोलूँगी कोई है तो फिर घर में खाना मिलना बंद हो जाएगा, जाओ तो किधर जाओ, है ना? तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई जानने के लिए तो आप लोगों को वीडियोस देखते रहना होगा, शायद कुछ क्लू मिल जाए बहुत जल्द, तो देखते रहो वीडियोस। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन पे जंप करती हूँ, जो पूछा है जेनिफर ने, आपको कौन सा कार्टून पसंद है? शिनचान, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, शिनचान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे गाना भी आता है, मेरा नाम भी शिनचान है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल ये पड़ी, मेरी फैमिली नुहारा। come on baby, आओ करी डांस शुरू, जोर से घूमे, बस इतने रह दो, पता है पूरा ही, हम तुम झूमे, नाचो, नाचो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चौधरी सौविक ने, जो जिन्होंने पूछा है बीए कॉबे कोचो, ये एक बंगाली क्वेश्चन है, इसका मतलब है शादी कब कर रहे हो? आपको गिफ्ट भेजना है तो आप अभी भी भेज सकते हो, शादी तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्निग्धा ने, जिन्होंने पूछा है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? मैं एप्रोप्रिएट नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी। कोविड के वैक्सीन के टाइम। वो तो जरूर, मुझे लगा कि वैक्सीन लेके मैं मरने वाली हूँ, मुझे बहुत डर लगा था। वैक्सीन लेते वक्त कोई डर नहीं हुआ, पर हाँ जो फीवर मस्त आया था ना, उसके बाद मुझे लगा था मैंने क्यों वैक्सीन लिया, और दीदी को बहुत सुनाया था मैंने, तेरी वजह से मैंने वैक्सीन लिया और मेरी तबीयत इतना खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नम्रता रावत ने, आपकी यात्रा कैसी रही यहाँ तक, और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो यात्रा बहुत ही डिफिकल्ट रही, हर किसी का होता है, अभी सबके लिए सबका स्ट्रगल बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे नज़र पे मेरा स्ट्रगल ऐसे ही बहुत डिफ़िकल्ट रहा। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, तो अभी जितना भी कर पाई हूँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आगे और भी ज़्यादा करना है इतना मुझे पता है, और मुझे कुछ नहीं पता बस। वैशाली ने पूछा आपके बचपन की कोई पिक्चर, तो देख लो वैशाली, ये है मेरी बचपन की पिक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4D227 ने योर एड्रेस, तो एड्रेस बताना अगर किसी को चाहती भी हूँ, मैं ऐसे वीडियोस में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं जिनका इंटरेस्ट खराब भी हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट 4D। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीदी आपके यूट्यूब चैनल का कितने दिन हुआ? आई एम प्रियोशी ने पूछा है, तो डियर ऑलमोस्ट 2 ईयर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस प्रीरू ने, आपके पास टोटल कितने ड्रेसेस होंगी? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कपड़े खरीदना, बहुत पसंद है कपड़े पहनना, तो इतना मुझे पता है, मैंने सच में कभी काउंट नहीं किया, मुझे लगता है किसी ने भी काउंट नहीं किया होगा, आप खुद नहीं बता सकते आपके पास कितने ड्रेसेस है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मुझे बिल्कुल इसका आंसर नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रीयश्री ने, दी तुम कभी उड़ीसा आए हो? बिकॉज आई एम फ्रॉम उड़ीसा। हाँ बहुत बार गई हूँ, पूरी मेरी मम्मी का फेवरेट जगह है, तो मैं एक एक साल में 2-3 बार करके जाती थी पहले, पर लॉकडाउन के बाद से जाना नहीं हुआ, आई होप कोविड जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और मैं दोबारा जा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने बस जो उनको लगा उन्होंने वही बोला। आलिज़े शाह ने बोला नो इंटरेस्ट, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है आपका, तो इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों कमेंट किया? हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माया बेगम ने, तुम्ही बांग्ला चैनले इरेगुलर क्यों हो? सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली एत काजेर प्रेशर हो गेछे, एखन एकटुखानि किछु पार्सोनल प्रब्लेमेर जोन्नो आमाके एकटु इरेगुलर थाकते होच्छे, बाट खूब ताड़ाताड़ि, विश्वास करो खूब ताड़ाताड़ि, तो बिलीव में बहुत जल्द वीडियोस आएगा बंगाली चैनल पे और फिर रेगुलर वीडियोस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, राघवेंद्र ने पूछा है आपको एक यूट्यूबर ही बनना था या कुछ और? तो राघवेंद्र अगर मुझसे पूछो तो मुझे बनना था फैशन डिजाइनर, जबकि मैं हूँ एक एडवोकेट और साथ में यूट्यूबर, तो यूट्यूबर बनना ऑब्वियसली था मुझे, पर पहले बहुत पहले मुझे यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, पर जब से पता था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा था इस चीज में, क्योंकि इसमें आप खुद कुछ करके लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, उसके लिए आपको कोई किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एक अच्छा सिस्टम लगा था मुझे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंजलि हंस ने, योर फर्स्ट पेमेंट। अगर फर्स्ट पेमेंट की बात बोलोगे तो मुझे फर्स्ट मिला था बहुत पहले, मैंने एक ट्यूशन पढ़ाया था बहुत पहले, तो उसमें मुझे मिला था शायद 800 रुपये तो वो था मेरा फर्स्ट पेमेंट। प्रतिमा घोष ने बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इनमें से मैं बहुत रिप्लाई दे चुकी हूँ, तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ प्रतिमा, जो है व्हाट इज योर निकनेम। मेरा निकनेम है पिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेटस किन क्रिएशंस ने, क्वालिटी ऑफ बॉय फॉर योर मैरिज। क्वालिटी वाल की आइसक्रीम है क्या, ऐसी कैसी क्वालिटी, क्या मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं। तो इसका रिप्लाई वियर्ड सा क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं मुझे नहीं पता। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा है अफरीन खान ने, दीदी व्हाट इज योर रियल नेम, दिस इज माय क्वेश्चन। सुमेधा भट्टाचार्य है मेरा रियल नेम, जिसको मैंने रखा है दा सुमेधा, तो बस इतना। फिर जब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा है रंजन लिंक ने, डू यू हैव क्रश ऑन दर्शन रावल। दर्शन रावल क्रश नहीं बोल सकती, पर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जितना क्यूट दिखने में है उनका वॉइस उतना ही क्यूट है, उतना ही प्यारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको यूट्यूब पर चैनल खोलने का आइडिया किसने दिया। लव फ्रॉम पूरी उड़ीसा, दीदी ने दिया, क्योंकि बाकी ने तो बोल दिया था यूट्यूब फोन पे नहीं हो सकता, तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई दी एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा है और यही है हमारा आखिरी Q&A का क्वेश्चन, जो पूछा है पियानोज वर्ल्ड ने, ये है दिस और दैट। तो उन्होंने पूछा है कॉफी और टी, तो ऑब्वियसली टी। फिर पूछा है पिज्जा और पास्ता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। फिर पूछा ट्रैवलिंग और एट होम, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है पर पैसा नहीं है। फिर पूछा है पियानो और गिटार, मुझे कुछ भी बजाना नहीं आता पर गिटार देखने में काफी मस्त लगता है, काफी कूल लगता है मुझे, तो गिटार। नेहा कक्कर और श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल। फिर उन्होंने बोला प्लीज टेक माई नेम आयुषी, हाय आयुषी आई लव बैक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं Q&A खत्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। लव यू ऑल, टाटा। ऐसे ही सपोर्ट करना ताकि जल्दी जल्दी हमारा 1 मिलियन हो जाए। तब तक के लिए घर पे रहना, सेफ रहना। लव यू ऑल, टाटा, बाय।